राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी डेंटल शो का आयोजन किया जा रहा है और इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ डॉक्टर राजीव गुलाटी जी हैं। सर, पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या थीम रखी गई है इस डेंटल शो की? यूपी डेंटल शो का आज और कल जो बीत गया, थर्ड और फोर्थ को जो है ये चौथा एडिशन था। तो इसके पहले तीन एडिशन जो है वो हुए थे 2017-18-19 में, फिर 20-21 तो कोविड के ही भेंट चढ़ गया और ये 22 में इसका चौथा एडिशन है। तो इसका कंसेप्ट ये था कि हम लोगों ने यूपी स्टेट के साथ में, और मैं गोरखपुर का हूँ, इसका मैं ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ। कंसेप्ट ये था कि हम एक रीज़नेबल प्राइस पे जितने भी दंत चिकित्सक हैं प्रदेश के, उनको एक ऐसी जगह, एक ऐसी चीज़ उपलब्ध करा सके जिससे कि उनका ज्ञान वर्धन भी हो, उनको अगर कोई सामान खरीदना हो तो सामान भी वो खरीद सके, और तथा उसके अलावा जो है सबके दोस्त लखनऊ में हैं, अपने दोस्तों से मिल के अपनी दो शामें जो हैं वो हंसी खुशी गुजार भी सकें। तो कंसेप्ट बहुत अच्छा था। हम लोगों ने इसकी रजिस्ट्रेशन फीस रखी 500 रुपये। अब 500 रुपये में हम आपको इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जैसी जगह पे, जिसका किराया खुद ही बहुत ज़्यादा है, उसमें हम स्टूडेंट्स को सुबह से लेके शाम तक साइंटिफिक सेशंस चल रहे हैं, जो हमारे प्रदेश के तथा अंतर्राष्ट्रीय सबसे अच्छे स्पीकर्स हैं उनको हम बुलाते हैं और ये डेलीगेट उन सबको अटेंड कर सकते हैं। साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि जो स्टूडेंट मेंबर हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए 200 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है। इसमें जो है वो चाय वगैरह भी सब इंक्लूडेड है, और इसके अलावा जो है ये ट्रेड फेयर लगा हुआ है, जिसमें कि अगर उनको कोई भी सामान, नॉर्मली जब ट्रेड फेयर होता है तो उसमें डील्स देती हैं लोग, तो सस्ते में भी, और क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं मटेरियल्स में, इक्विपमेंट में, तो इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से डेवलप कर रही है, उनको इसका भी ज्ञान मिलता है। किसी को सामान बुक करना, वो बुक भी कर सकता है। इस तरीके से ये शो 2 दिन चलता है, तो 2 दिन में हम एक दंत चिकित्सक को इतना उपलब्ध करा देते हैं कि इसीलिए पहले वर्ष हमने इसका आयोजन किया था KGMC में, और उनका हॉल जो है उसकी कैपेसिटी थी 1700, तो हम लोग के यहाँ पे 2000 डेलीगेट आए थे, तो इसलिए वहाँ पे वो जगह छोटी पड़ गई, तो हम लोगों ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में करना शुरू किया, और यहाँ पे हम लोगों के बाद करीब 2500 डेलीगेट्स आते हैं। तो ये अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा कदम है जो हम लोगों ने उठाया है कि एक दंत चिकित्सक जो है वो इतने कम अमाउंट में हर सुविधा का उसको ज्ञान भी हो जाए और उसका मनोरंजन भी। देखा जाए तो इस बार कितने लोगों का पार्टिसिपेशन इस शो में हुआ है? इस शो में जो है वो चूँकि कोविड अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, तो कई लोग तो जो है वो निकल रहे हैं बाहर, कई लोग अभी भी जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि मीडिया में ही रोज़ आप लोग बता देते हैं कि आज 20 कोविड लोग आ गए, तो कई लोग उसमें, तो भी हमारे करीब 1600 से 1700 लोग रजिस्टर हो चुके हैं जो इस समय यहाँ पे मौजूद हैं। देखा जाए तो कोरोना जब आया उसके बाद लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन के बाद जो सर पोस्ट कोविड सिम्टम्स थे उसमें कहीं ना कहीं जो दांतों की समस्या थी, मरीज उससे भी जूझ रहे थे, तो क्या लगता है सर जो मौजूदा डेंटिस्ट इंडस्ट्री है, जो डेंटिस्ट हैं उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं? उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो अपने आप को भी बचाएं। भाई जैसे मैं हूँ, 2 बार मेरे को कोविड हो चुका है, क्योंकि हम तो वहाँ काम करते हैं जहाँ जो सूत्र है उसका मुँह से ही तो सारा का सारा जो है वो वायरस निकलता है। हम लोगों ने कोविड टाइम में बहुत प्रिकॉशंस लिए, मास्क, PPE सूट, सब जितने प्रिकॉशंस भी थे वो पहन के हम लोगों ने काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो वायरस इतना छोटा है कि वो आ ही सकता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमें अपने आप को बचाना और हमारे मरीज संक्रमित ना हो सके उनके लिए सारे प्रिकॉशंस लेना, और वो हम सब लोगों ने किया। जो युवा हैं जो इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, उनके लिए इस क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं सर आपके नज़रिए से देखा जाए तो?
क्षेत्र में बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि दंत चिकित्सा जो है आज भी रिक्वायरमेंट देश का जितने डॉक्टर्स हैं और जो पॉपुलेशन है हमारे देश की, उस हिसाब से डॉक्टर्स कम हैं, खासकर रूरल एरियाज़ में, वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स कम हैं, अनक्वालिफाइड ज़्यादा हैं। इस वजह से जो है मरीजों का प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है, उनको शहर भागना पड़ता है। तो जैसे ही जो है वो इनकी संख्या बढ़ेगी, इनकी शिक्षा स्तर में बढ़ोतरी होगी, तो फ़ायदा जो है वो एक आम आदमी का होगा, उसको हर चीज़ के लिए शहर नहीं आना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है, कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है, जो प्रदेश सरकार है, वो डॉक्टर्स को लगातार बढ़ावा दे रही है, लगातार उनको जो नाम दिया गया था सर कोविड वॉरियर्स का, वो नाम दिया गया था। अगर देखा जाए मौजूदा में, तो सर सरकार से क्या अपेक्षा रहती है एज अ डॉक्टर, एज अ डेंटिस्ट, सरकार से क्या अपेक्षा है आप लोगों की एज अ कोविड वॉरियर की, एज अ प्रोफेशन, एज अ कोविड वॉरियर, एज अ प्रोफेशन, एज अ डेंटिस्ट? सरकार से हमारी अपेक्षा यही है कि भाई हमारे सब सामान पे, देखिए मेडिकल लाइन जो है वो कमर्शियल नहीं है, कहीं ना कहीं इस बात को सरकार को भी रियलाइज़ करना चाहिए। हम लोग हर चीज़ हर टैक्स कमर्शियल देते हैं, बिजली भी हमें कमर्शियल रेट पे मिलती है, हम जो हाउस टैक्स वाटर टैक्स देते हैं वो भी कमर्शियल रेट पे है, तो अल्टीमेटली इसको कौन बेयर करता है, इस इंक्रीज चार्जेस को पेशेंट्स ही ना बेयर करते हैं। हम लोग कमर्शियल नहीं हैं, हम लोग पहले तो आपने हमको वॉरियर बना दिया, पहले तो हम लोग को हीरो बना दिया, तो अगर आपने हीरो बनाया तो आप हमको ये भी मौका दीजिए कि हमें जैसे नॉर्मल, जैसे एक वकील का चैम्बर है वो कमर्शियल नहीं माना जाता ना, लेकिन एक डॉक्टर का चैम्बर कमर्शियल माना जाता है। तो थोड़ी सी ये सुविधा दे तो हम मरीजों को और कम दर में उनके चिकित्सा कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए डॉक्टर राजीव गुलाटी जी हैं। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि सरकार को अभी इस क्षेत्र पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। रही बात युवाओं की, तो युवाओं को कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बढ़ चढ़ के संभावनाएं मिल रही हैं, और कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो इससे जुड़ भी रहे हैं। ब्रजेंद्र बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।